हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब दोस्तों? आज मैं बनाने जा रही हूँ सब्जियों का राजा, आलू की सब्जी। ये मेरी फेवरेट सब्जी है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर की जाए। इस सब्जी को हम आलू दो प्याजा कहते हैं। ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है, अगर आप बनाएं तो 15 मिनट में बन जाती है। तो चलिए बिना देर के हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ मसाले ले लेते हैं। मैंने एक तेज पत्ता ले लिया है, एक बड़ी इलायची, आधा टेबल स्पून जीरा, 10 से 15 गोल मिर्च, 2 लौंग, 2 से 3 साबुत लाल मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियां। अब मैंने 4 आलू ले लिया है, बड़े साइज में इसको कट कर लिया है, इसको बड़े साइज में ही कट करेंगे। अब मैंने प्याज ले लिए हैं 2 बड़े साइज के, इसको हमने कट कर लिया लंबी स्लाइस में। मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसको मैंने कट कर लिया है। अब हमने गैस को ऑन किया, इस पे कुकर रखा है। कुकर गर्म हो जाने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने तेज पत्ता डाला है इसमें। इसके बाद हम अपने गरम मसाले डालेंगे। गरम मसाले चटक जाने के बाद इसमें मैंने लहसुन की कलियां डाल दी हैं। इसको हम 10 से 15 सेकंड तक पका लिए हैं। इसके बाद हमने इसमें प्याज डाली है। प्याज डालने के बाद इसमें हम साबुत लाल मिर्च डाल दी है। मिर्च को हम बाद में ही डालेंगे, क्योंकि ये पहले डालने से जल जाती है तो टेस्ट इसका अच्छा नहीं आता है। हम इसको अच्छे से चला लेंगे। चलाकर हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे, ताकि हमारे प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाए। हमारे प्याज सॉफ्ट हो गए हैं, तो हम इसमें आलू डालेंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे। इसको हम चला करके 1 से 2 बार ऐसे ही चला चला कर हम इसको पकाएंगे, थोड़े से हमारे आलू पक जाए अच्छे से। इसमें आलू हमारे पक गए हैं, तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और हम इसको अच्छे से चला लेंगे। इसको हम 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही चला चला करके पकाएंगे। अब मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर हमने डाला इसमें। हम इसको अच्छे से चला लेंगे मिक्स करते हुए। इसको हम पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट, ताकि हमारे हल्दी जो है थोड़ा पक जाए। ये थोड़ा पक जाएगा तब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। पक गया है तो हमने इसमें 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया है, और इसको भी हम चला लेंगे। चलाकर हम इसको पकाएंगे। नीचे ऑयल छोड़ने लगा है अब मसाले हमारे। इसको हम 1 मिनट तक बस ऐसे ही पकाएंगे। हमारे मसाले पक गए हैं, एकदम पक गए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने 1 गिलास पानी डाला है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारे मसाले मिक्स हो जाएं। अब मिक्स हो गया है तो हम ढक्कन लगाएंगे। गैस को हम हाई फ्लेम पर रखेंगे और हम 2 से 3 सीटी दिला लेंगे हाई फ्लेम पर ही। अब 2 से 3 सीटी आ गई है, तो हम गैस को बंद कर देंगे और सीटी ठंडा होने देंगे। सीटी ठंडी हो गई है, मैंने ढक्कन हटा लिया है।
तो दोस्तों देखें सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, पूरे घर में एक अच्छी सी खुशबू फैल गई है। तो दोस्तों आप हम सब्जी में धनिया पत्ती डालेंगे और सर्व कर लेंगे। तो दोस्तों एक बार इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ऐसे ही रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आप भी ज़रूर ऐसे ही बनाइएगा। तो फिर हम मिलेंगे ऐसी ही रेसिपी के साथ। दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।